Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Hey all, welcome back to my channel, friends. Hope you all are doing good in your lives. सो वी एज अ होम मेकर्स फॉलो अ वन रूटीन जो कि सबका होता होगा. मुझे लगता है कि मॉर्निंग का जो रूटीन होता है हमारा क्लीनिंग का रूटीन, लेकिन मेरा कैसा है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ. तो जब मॉर्निंग में मतलब आदेश वगैरह रोहित ऑफिस चले जाते हैं, आदेश स्कूल चला जाता है, उसके बाद मेरा क्या रूटीन रहता है तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो मॉर्निंग में जैसे हम उठते हैं ना, तो हमने सबसे पहले मतलब आदेश भी तैयार होने के लिए निकलता है या रोहित भी चलते हैं, तो मैं सबसे पहले ना अपना जो रजाई वगैरह है उसको साइड में कर देती हूँ. उतना तो मैं कर ही देती हूँ, बाकी बाद में करती हूँ. और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह के प्रिपरेशन के लिए लग जाती हूँ. तो उनके जाने के बाद ना जो वो लोग कपड़े खोलते हैं या फिर अपना कोई ना कोई कॉम या कोई कुछ ना कुछ जो है वो बेड पर जो है वो ज़रूर पड़ा रहता है. और आपके भी घर में एक ऐसा बेडरूम ज़रूर होगा जहाँ पर सब मॉर्निंग हडल जब चल रहा होता है तो वो सब तैयार होते हैं और अपना सारा सामान वहीं फेंक के चले जाते हैं. तो सबसे पहले तो क्लीनिंग वहीं से शुरू होती है. जितना भी मुझे उनके कपड़े दिख रहे होते हैं ना, उनको मैं पहले फोल्ड करती हूँ और उनकी उनकी जगह पे रखती हूँ. अगर तो लॉन्ड्री में रखने वाले हैं धोने के लिए तो वहाँ पे डालती हूँ, नहीं तो फिर उनको उनकी प्लेसेस पे रख देती हूँ ताकि जब वो शाम को आएँ तो उनको वहीं से मिल जाए वो. सो मॉर्निंग का जो ये वाला रूटीन है ना, ये मेरा डेली बेसिस का है. और ऐसा नहीं है, हम सब का ही ये डेली, हम सब होम मेकर्स का ये डेली बेसिस का रूटीन होगा. जो भी मतलब मुझे देख रहे हैं इस वक्त, उनको लगता होगा कि हम भी तो यही करते हैं. हाँ जी, बिल्कुल यही करते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि यही काम हमें रोज़ रोज़ करना पड़ता है. बट अगर हम उसको जो है एक काम ना लेके और मतलब एक जब हम एक टाइमर सेट करके करें ना कि हाँ मुझे इतने जल्दी ये काम कंप्लीट करना है, तो वो एक चैलेंज आ जाता है सामने और उसको करने में मज़ा भी आता है और काम भी जो है वो हो जाता है और कंसिस्टेंटली होता है. तो बस उसके बाद मैंने अपना जितना भी ये जो हमारा बेड है ना, इसके जो पीछे बैक है, यहाँ पर सामान रखने की जगह है, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि अगर कोई फ्लैट सरफेस है ना तो वहाँ पे चीज़ें रखी ही जाती हैं. तो ये भी हमारा ऐसा ही है, यहाँ पे चीज़ें रखी जाती है. कभी रिमोट्स होते हैं, ब्रश, जैसे रात को आज मोला खाई है तो वो है, कॉम है, हर चीज़ यहाँ पे रखी जाती है. तो सबसे पहले इसी को मैंने सब सामान को हटाया एंड देन उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो बहुत है तो उसी को क्लीन किया. मैं कॉलिन से जो है वो डेली नहीं करती हूँ, हाँ मैं डेली ड्राई क्लोथ से ही कर देती हूँ, झाड़ देती हूँ थोड़ा सा, लेकिन जब मुझे लगता है कि अब इसको ज़रूरत है तब मैं इसकी ऑयलिंग भी करती हूँ और कॉलिन से भी साफ़ करती हूँ. हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है. तो जैसे कि मुझे पता था कि आज मैंने ये वाली बेडशीट जो है वो लॉन्ड्री के लिए डालनी है, तो मैंने पहले मतलब जो है वो अभी बेडशीट नहीं उठाई है, क्योंकि अगर मैं नई बेडशीट पहले बिछाती थी तो जितना भी धूल था वो सारा उसी के ऊपर दोबारा गिरता और फिर वो फिर से क्लीन करनी पड़ जाती. तो इसलिए अपना काम जो है वो जितना कम हो सके कम करने की कोशिश करनी है हमें. अगर हम प्लानिंग के साथ चले ना तो अपने लिए बहुत सारा टाइम जो है वो निकाल सकते हैं, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं. तो जैसे कि मुझे वीडियोस का ही काम करना है या मुझे कोई अपनी कुछ पढ़ना ही है, रीडिंग ही करनी है, लेकिन अब तो रीडिंग के भी इतने ऑप्शंस आ गए हैं, आप ऑडियोज़ जो है वो सुन सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो. तो जब मैं ये काम कर रही होती हूँ ना, तभी मैं अपने लिए कुछ ना कुछ साथ में लगा लेती हूँ. पॉडकास्ट अगर मुझे कोई सुनना है तो मैं उसी वक्त साथ में जो है सुन लेती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे सिर्फ सुनना है उसको और बाकी काम मैं साथ साथ में करती रहती हूँ. और इसी तरह से अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अपने लिए आपको टाइम निकालना है कुछ ना कुछ मतलब करने के लिए, तो आप अपने काम को जो है ना वो रेगुलरली अगर करेंगे रूटीन के साथ, डेली बेसिस के साथ, तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो सकता है.
तो जैसे कि मैंने आज यहाँ ना वॉर्म बेडशीट जो है मैंने अभी सारी इकट्ठी नहीं निकाली थी, बिकॉज मेरे पास इतनी जगह नहीं है मेरी अलमीरा में कि मैं सारी की सारी वॉर्म बेडशीट जो है वो एक साथ इकट्ठे जो है वो उनको वहाँ पे रख दूँ। तो मैंने ये कवर जो है इसमें ही पड़ी हुई थी ये, और मैंने इसको ना बेड बॉक्स के उस वाली साइड रखा था जो मेरे से ईजिली जो है वो ऑपरेटेबल है, मतलब मैं उसको ईजिली जो है वहाँ से ले सकती हूँ। तो मैंने अब वहाँ से जब निकाली तो मैंने इसमें क्या किया, जितना भी इसका वो था जो बैग था इसका, उसमें मेरी अपनी पुरानी जो कॉटन की बेडशीट्स थी वो सारी की सारी इसमें रख दी। और मतलब मैंने याद रखा था कि मुझे ये भी करना है, नहीं तो फिर मुझे दोबारा बेड जो बॉक्स जो है वो ना इनके लिए रखने के लिए स्पेशल खोलना पड़ता। तो मैंने मॉर्निंग में ही वो काम कर दिया। तो ये बेडशीट बिछाने का तरीका ना मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, जिनके जो मैट्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी है ना उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। अपने दोनों मैट्रेसेस को पहले अपनी तरफ पुल कर लीजिए और उसके बाद बेडशीट को बिछाइए और वहाँ से जहाँ से ओपन है साइड ना वहाँ से उसको अंदर की तरफ टक करिए, बहुत आसान हो जाता है, आपके हाथों में चोट नहीं लगती है। एंड देन उसको फिर पुश कर दीजिए और उसके बाद सारे कॉर्नर से उनको अंदर टक कर दीजिए। देन उसके बाद ये भी एक मैं फॉलो करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था कि जो हमारे पिलोज होते हैं ना उनको हम जो है अपने पुराने पिलो कवर्स जो हैं उसके ऊपर लगा के रख सकते हैं सो डैट कि वो गंदे ना हो और दोनों ही जो है फिर वॉशेबल रहते हैं। जो हमारे क्विल्ट्स होते हैं ना उनके ऊपर क्विल्ट कवर चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन वो भी मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप कैसे करते हो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मोस्टली मुझे लगता है ऐसे ही करते होंगे, लेकिन चलो फिर भी बता देती हूँ आप लोगों को मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना अपना क्विल्ट कवर जो था उसको मैंने उल्टा कर लिया है, उसका मतलब जो अंदर वाला साइड था वो बाहर को कर दिया है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको बिछा दिया है रजाई को ऊपर और पूरी तरह से स्प्रेड कर दिया है मतलब बेड पर। एंड देन उसके बाद मैंने इसके दो कॉर्नर्स लिए हैं और उसको दोनों कॉर्नर्स में इसके यहाँ पे इनके कॉर्नर्स को मैंने अपने हाथों में लेके और यहाँ से पकड़ लिया और उसके बाद इसको उल्टा कर दिया है। अब जो हमारी जो फ्रंट वाली साइड है ना वो ऊपर की तरफ आ गई और जो अंदर उल्टा किया था जहाँ से मैंने वो अंदर चला गया है पार्ट। अब दूसरी तरफ से भी हम कॉर्नर्स को लेंगे और जो हमारा कवर है उसके कॉर्नर्स में उनको जो है वो वहाँ पर टक कर देंगे और उसके बाद हम जो है वहाँ से एक साइड से जो है अपने रजाई को पकड़ के इसको अच्छी तरह से झाड़ेंगे तो वो अपनी प्लेस जो है वो ऑटोमेटिकली क्विल्ट कवर में ले लेगी। और इस तरीके से मैं रजाई जो में जो है वो कवर डाल देती हूँ और कवर जो है ना बहुत इजीली डल जाते हैं, नहीं तो मुझे तो ऐसे लगता था कि कुश्ती करनी पड़ती है इसके साथ, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम लगता था। और सच बताओ मुझे ना पसीना आने लग पड़ा था अभी से ही। तो अब आ गई है दूसरे रूम के क्लीनिंग की बारी। तो जब तक मेरा एक रूम क्लीन नहीं होता ना मैं दूसरे रूम में नहीं जाती हूँ, लाइक मतलब पहले एक काम कंप्लीट करती हूँ एंड देन ही दूसरे काम में। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक काम कर रही थी और करते करते कहीं और पहुँच जाती थी। आपके साथ भी हुआ है कभी? मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था। मतलब यहाँ से मैं कोई सामान लेके गई हूँ, मान लिया यहाँ पे मतलब कोई बॉटल पड़ी है या ग्लास पड़ा है अगर किसी रूम में, और मैं वहाँ से उसको अगर किचन में रखने गई हूँ तो मैं वहाँ किचन में काम करने दिख जाएगा मुझे, तो मैं वो करने लग पड़ती थी। तो होता क्या था, मेरा कोई भी काम जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता था और मुझे ऐसा लगता था कि कितना काम पड़ा है अभी भी। तो फिर मेरे को जो है मैंने इस पर वर्क किया, लाइक मतलब जब मैं काम कर रही होती थी ना तो मैं कॉन्शियस रहती थी कि हाँ मैं अभी जो है पहले लिविंग रूम अगर साफ कर रही हूँ तो पहले मैं यही क्लीन करूँगी। एंड मतलब आपके साथ हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ तो सच में बहुत होता था। सो दोनों बेडरूम्स के बाद अब बारी आती है लिविंग रूम की और यहाँ पे भी जो भी सामान अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होना तो मैं सब उठा के जो है उनकी प्लेसेस पे रख देती हूँ। वैसे लिविंग रूम जो है ना उसको तो मैं रात को ही क्लीन करके, मतलब अगर कोई सामान इधर उधर रख भी दिया है आतिश ने या रोहित ने या फिर मैंने खुद ने ही, अगर कुछ ना कुछ इधर कपड़े पड़े हैं या कोई लाइक कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा जो वहाँ पे नहीं चाहिए वो पड़ी है तो मैं उसको उसी वक्त उठा के दूसरी जगह रख देती हूँ और लिविंग रूम में रात में ही क्लीन कर देती
लेती हूँ सो डैट मुझे सुबह उठते ना मतलब लिविंग रूम जो एटलीस्ट एक रूम तो साफ दिखे। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो भी सामान है उसको मैं उसकी प्लेस पे रात को ही रख दूँ। तो इसलिए मेरा लिविंग रूम जो है ना वो मॉर्निंग में बिल्कुल साफ दिखता है। सिर्फ मुझे जो है वो डस्टिंग करनी होती है, और इसकी भी जो ये ट्रॉली है जो यहाँ पे इसकी भी डस्टिंग जो है वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है वो हफ्ते में एक बार करती हूँ। तो इस तरह से ना अपना डीप क्लीनिंग रूटीन और डेली क्लीनिंग रूटीन जो है उसको बना के हम ना अपना बहुत सारा टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं और अपना जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम डीप क्लीनिंग रूटीन नहीं सेट करेंगे या अपना रूटीन कोई नहीं सेट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जो है वो वेस्ट होगा। उसके अलावा घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम डेली बेसिस पे क्लीन कर लें तो बहुत ही मतलब साफ लगता है घर, उन्हीं को क्लीन रख के। और वो डेली बेसिस में हमेशा मतलब मुझे लगता है शायद 10 मिनट्स लगेंगे, जैसे कोई अगर मतलब कोई डेकोर आइटम है या फिर जो हमारा बिल्कुल विजुअल आइटम्स हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे सेंटर टेबल होता है, टीवी होता है, तो ये कोई साइड टेबल्स होते हैं तो उन पे अगर धूल दिखती है ना तो वो बहुत ही गंदा लगता है सच में। तो अगर हम इनको डेली बेसिस पे क्लीन कर लेंगे ना तो ये हमें बिल्कुल घर जो है ना वो क्लीन क्लीन दिखता है। आई होप कहीं ना कहीं आप इस डेली क्लीनिंग रूटीन के साथ जो है वो ज़रूर रिलेट कर पाए होंगे, और अगर कर पाए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना, और होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं आपसे जल्द मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।